बात है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारे डिलीवरी के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब हमने प्लान किया है कि हम बाहर जाकर मूवी देखेंगे, एंड दैट टू विद आवर लिटिल डॉटर अरिका। शी इज़ जस्ट 3.5 मंथ्स, तो हम एक्साइटेड भी है और एट द सेम टाइम हमें थोड़ा डर भी लग रहा है कि आई डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो अंदर रोएगी या फिर हम पूरी मूवी देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। पहले हमने सोचा था ये रिकॉर्ड करेंगे मोमेंट अपने पर्सनल मेमोरी के लिए, बट फिर हमें लगा कि मेरे जैसे और भी मॉम्स होंगे, और भी पेरेंट्स होंगे जिन्हें ये डर लगता होगा कि क्या हम मूवी जा सकते हैं अपनी छोटी बेबी को लेकर। तो गाइज, जो भी होगा आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपको भी पता चले कि एक 3.5 मंथ्स की बच्चे के साथ आप मूवी जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। हर टाइम ये सिचुएशन सेम नहीं होगा, मे बी आज वो कोऑपरेट करे, अगले बार वो ना करे, या मे बी इस बार वो कोऑपरेट ना करे और अगले बार करे। तो जैसा भी है गाइज, वी विल शेयर इट विथ यू गाइज। तो या दिस व्लॉग विल बी ऑल अबाउट इट। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अरिका को मैंने अच्छे से फीड किया है, और अपने डेली रूटीन के पार्ट के हिसाब से मैं अभी जा रही हूँ जिम। मैं अराउंड 1 आवर जिम में स्पेंड करती हूँ, एंड उसके बाद आकर देखूँगी कि अरिका सोई है या फिर जाग रही है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसे तैयार करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे मूवी के चक्कर में उसकी स्लीप रूटीन ख़राब हो, इसलिए हमने अभी तक टिकट्स बुक नहीं करवाई है। हम उसे रेडी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम टिकट्स बुक करवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और अब मैं घर जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 9:05, और अभी मेरा रूटीन ये रहेगा कि मैं घर जाऊँगी, मैं सबसे पहले शावर लूँगी क्योंकि उसके बाद अरिका का उठने का टाइम हो जाता है और उसे मुझे ब्रेस्ट फीड करवाना होता है। तो मैं हाइजीन को नज़र में रखते हुए ये ध्यान रखती हूँ कि पहले मैं क्लीन हो जाऊँ अच्छे से और फिर ही उसके पास जाऊँ। उसके बाद उसे मैं उसकी मालिश करूँगी, एंड देन उसे नहला धुला के तैयार करके फिर हम देखेंगे हमें कितने बजे की मूवी टिकट्स मिल रही है। पार्वती पिता महादेव एक दंत दया वंत चार भुजा दारी मस्तक सिंदूर मुझे की सवारी।
तो गाइस, जैसा आपने देखा, जब मैं जिम से आई तो अरिका सो रही थी, तो उस टाइम का यूटिलाइज़ करते हुए मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। फिर मैंने पूजा भी कर ली और अब मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही है अरिका की। वो रूम में अपने डैड के साथ है, तो वो मोस्ट लाइकली वो अपने डैड के साथ खेलती है इस टाइम पे। तो अभी मैं जाऊँगी, उसकी मालिश करूँगी, उसे नहलाऊँगी, उसे रेडी करूँगी और फिर मैं आपके साथ कनेक्ट करती हूँ। तो गाइस, अरिका उठ चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब अरिका उठती है तो वो कैसे मूड में रहती है। नाइस बिग यॉन। हाय अरिका, गुड मॉर्निंग बेटा। एंड शी ग्रीट्स अस एवरी डे अपने ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। गुड मॉर्निंग, डिड यू स्लीप टाइट? अरे 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 क्या 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 अरेका, ऑल सेट फॉर योर मसाज? हाँ, मसाज के लिए रेडी है मेरा बच्चा? अभी तो अरेका को बहुत मजा आने वाला है क्या? चलो शुरू। अब मसाज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, आपका मसाज इज डन। ये गाइज, मैं तो रेडी थी ही, अब अरिका भी रेडी हो गई है और अब हम निकलेंगे मूवी के लिए। लेकिन उससे पहले अब मुझे बस अपना डायपर बैग रेडी करना है। तो गाइज, अरिका के ऑयल मसाज के बाद इसने शावर लिया, थोड़ा सा फीड लिया, फिर ये सोई और उसके बाद उठ के इसने फिर से फीड लिया और अब ये बिल्कुल रेडी है मूवी जाने के लिए। अरिका, से हाय टू एवरीवन। हेलो, ये A few moments later. Hey Peter, are you ready for your first movie? Yes. हमारी फर्स्ट मूवी और ईशु भैया के साथ भी। ईशु भैया भी आ गए। स्टार्ट।
for the national anthem. शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय का First transaction. Quote your mobile number on every purchase to avail exclusive member benefits. And don't forget to redeem your reward points. We love you. तो गाइज अब हम घर वापस जा रहे हैं. आज हमने मूवी देखी, उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग करी. अनुराग ने मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया हुआ था. जनरली मैं और अनुराग एक दूसरे को जो भी गिफ्ट देते हैं वो हम प्लान करके लेते हैं. तो हमें एक फ़ोन लेना था और हम अलग अलग ब्रांड्स एक्सप्लोर कर रहे थे ऑनलाइन. हमने आईफोन को भी कंसिडर किया था, बट ये मेरे लिए सरप्राइज़ था कि अनुराग आज ही मेरे लिए एक आईफोन बुक करने वाले हैं. आईफोन आउट ऑफ स्टॉक था तो हमने सिर्फ बुकिंग कर दी, उसका पेमेंट कर दिया, वो हमें एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा. बट इट वॉज़ अ ग्रेट सरप्राइज़ फॉर मी, आई रियली लव्ड इट. उसके बाद हमने सोचा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, बट अरिका थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी तो हमने सोचा छोड़ो चलो घर ही चलते हैं. तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इतनी छोटी बेबी के साथ फर्स्ट टाइम थिएटर जाकर मूवी देखने का. तो गाइज इट वॉज अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग. जैसे ही हम थिएटर के अंदर गए उस टाइम अरिका जाग रही थी, और बट कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि वो सो जाएगी, क्योंकि यूजुअली वो उसका नैप टाइम रहता है, वो हर दिन के टाइम पे सोती है. तो हमने उसी हिसाब से टिकट्स बुक किए थे. तो बट जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई वी रियलाइज्ड इट वाज अ वेरी लाउड मूवी. तो मुझे वो मन में डर आ गया था कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई अरिका को इस मूवी के लिए लेकर आने का. और हमें लगा पता नहीं ये सो पाएगी कि नहीं इतने शोर में. बट जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई फिर मैंने फीड करवाना स्टार्ट किया उसे और वो सो गई. और वो इंटरवल तक सोते ही रही, तो इंटरवल तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. इंटरवल में जैसे ही लाइट्स ऑन हुए उन लाइट्स की वजह से अरिका जाग गई, एंड फिर उसने खूब इंजॉय किया अपने डैड के साथ मेरे साथ. बट देन सडनली वी रियलाइज्ड कि उसने पॉटी कर दी. तो हम जल्दी से उसे लेकर वॉशरूम गए और वॉशरूम में उसका डायपर चेंज किया. लकीली इस मूवी का जो इंटरवल था वो काफ़ी लंबा था तो हमारी मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं हुई. उसके बाद जैसे ही इंटरवल के बाद मूवी स्टार्ट हुई हमने अरिका को ऐसे यहाँ पे कंधे पे रखा ताकि वो स्क्रीन ना देखे गलती से भी. उसने थोड़ी देर एंजॉय किया एंड उसके बाद वो थोड़ी सी क्रैंकी होने लगी और उसका फीडिंग टाइम भी हो गया था क्योंकि अरिका थोड़ी थोड़ी देर में फीड लेती है. तो फिर मैंने उसे फीड करवाया और फीड लेते लेते वो सो गई और मूवी के एंड तक वो फिर से सोती ही रह गई. तो हमें मूवी मतलब जैसे ही मूवी एंड हुई और लाइट्स ऑन हुए उन लाइट्स की वजह से फिर से वो जाग गई. तो हमें मूवी देखने में एज सच कोई भी दिक्कत नहीं रही. इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस दिस टाइम स्पेशली. अब आगे का आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये मूवी तो हमने बहुत अच्छे से देखी विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. तो अगर आप भी अपने छोटे बेबी के साथ मूवी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको 5 टिप्स देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में. मेरा पहला टिप ये रहेगा कि आप मूवी का स्लॉट टाइम स्लॉट वो बुक करें जो आपके बेबी का यूजुअली नैप टाइम रहता है, क्योंकि इसे 100% श्योर तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि आपका बेबी उस टाइम पे स्लीपी फील करे या सोए. तो अगर आपका बेबी उस टाइम पे सोएगा तो आप मूवी को बहुत अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे. मेरा सेकंड टिप ये रहेगा कि जनरली थिएटर के अंदर टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है तो आप अपने बेबी को कवर करने के लिए या कोजी फील करवाने के लिए कुछ ब्लैंकेट या कुछ भी वैसा कुछ रखें सो दैट आपका बेबी कोजी रहे. और जब बेबी कोजी फील करते हैं तो वो बहुत अच्छे से सोते हैं.
मेरा थर्ड टिप ये रहेगा कि आप जो भी सीट्स बुक करें वो गेट के पास के ही सीट्स बुक करें, ताकि अगर आपका बेबी एकदम से रोए और चुप ना हो तो आप तुरंत गेट से बाहर जा सकते हैं। आपके लिए वो कन्वीनियंट रहेगा और दूसरों को भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मेरा फोर्थ सजेशन ये रहेगा कि आप अपने हेयर को अच्छे से टाई करके जाएं, सो दैट जब बेबी सोया रहे वो तो फिर गोद में ही रहेगा, बट अगर जब बेबी जाग रहा हो तो आप उसे अपने शोल्डर में ही रखें, ताकि वो गलती से भी स्क्रीन ना देखे, और उस टाइम पे उसे आपके बालों की वजह से थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट ना हो। मेरा फिफ्थ और आखिरी टिप यही रहेगा कि अगर आपका बेबी रोता है तो आप प्लीज़ पैनिक ना करें, बेबी शांत हो जाएगा, आप उसे फीड करवाने का ट्राई करें या फिर किसी भी और तरीके से उसे ट्राई करें कि वो शांत हो जाए, और अगर कुछ नहीं तो आपके पास हमेशा ये ऑप्शन है कि आप उसे लेकर बाहर जा सकते हैं, आप मूवी फिर से दोबारा देख सकते हैं, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, बेबी शांत हो जाएगा। तो गाइज आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरे एक्सपीरियंस और सारे टिप्स आपके काम आए। अगर आपने मेरा ये वीडियो इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करें। थैंक यू।